रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, आज बुधवार 11 नवंबर 2020। रैप्सोडी ऑफ रियलिटीज़, बुधवार, वेडनेसडे 11 नवंबर 2020। आज पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे के द्वारा हमको जो विषय दिया गया है मनन करने के लिए और समझने के लिए, वह इस वचन के आधार से है, यूहन्ना के 4 अध्याय के 34 वचन के आधार से है। और इंग्लिश में यह विषय इस प्रकार से दिया गया है, फोकस ऑन द ग्रेटर गोल। सबसे बड़े मकसद पर केंद्रित रहो। इस प्रकार से सबसे बढ़िया मकसद जो रहेगा, सबसे बड़े मकसद के ऊपर केंद्रित रहो, ये इसका अर्थ बनता है। इसे समझने के लिए यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय का 34 वचन हम देखेंगे। हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में इसे पूरी तरह से समझेंगे और इसे ग्रहण करेंगे। हमारे अंदर इसके द्वारा कोई सुधार लाने की ज़रूरत है या कोई भी चीज़ हम विश्वास में उठाने की ज़रूरत है और हमने अभी तक इसके विषय में कभी सुना नहीं, और अब हमने सुना और अब हमको पता चल रहा है कि हमने क्या करना चाहिए और क्या नहीं, तो हम उसे स्वीकारेंगे। हम इस बात को स्वीकारेंगे जो ये हमें बात आज सीखने को मिल रही है पास्टर क्रिस ओयाकिलोमे के द्वारा। हम इंग्लिश में ये वचन पढ़ेंगे और साथ साथ पूरी तरह से हम इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं में पढ़ते हुए समझते हुए जाएंगे। यूहन्ना का John 4:34, Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय उसका 34 वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। हम और एक बारी से पढ़ेंगे, यूहन्ना का 4 अध्याय का 34 वचन इस प्रकार से कहता है, यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। इंग्लिश में ये इस प्रकार से है, John 4:34, Jesus saith unto them, My meat is to do the will of him that sent me and to finish his work. As we earnestly look forward to the rapture of the church, it's important that your focus be on the achievement of the greater goal. जैसे कि हम बहुत ही बेताबी से इंतज़ार करते हुए आगे बढ़ रहे हैं कलसियाओं का उठाया लिए जाना, तो अब बहुत ज़रूरी बनता है कि हमारा ध्यान, हमारा केंद्र उस पर बना रहे जो ऊंचे मकसद को प्राप्त करने में होना है, वो ध्यान हमारा केंद्रित होना चाहिए। What's this greater goal? It's winning the unsaved to Christ. और यह सबसे ऊंचा मकसद क्या है? सबसे बढ़िया मकसद क्या है? वह है जो उद्धार नहीं पाए उनको मसीह के लिए जीतना। Jesus and his disciples were on a journey from Judea to Galilee and they stopped in a Samaritan village. यीशु मसीह और उसके चेले जो थे वह सफ़र पर थे, वो जूदा के गांव से लेकर वो यहूदा के गांव से लेकर वो गलीली तक जा रहे थे और बीच में ही वह रुक गए
और वे लोग जहां रुक गए थे वो समरी गांव था, समरियों का वो गांव था। द मास्टर नीडेड टू कैच अ ब्रेदर वाइल हिज डिसाइपल्स वेंट टू गेट सम फूड। जो प्रभु है उसकी ज़रूरत थी कि वह थोड़ा सांस लेते हुए बैठे, और उस समय फिर चेलों ने उसके लिए खाना लेकर आने की सुविधा करने में चले गए। वाइल जीसस सैट एट द वेल, अ वुमेन केम टू ड्रॉ वाटर, एंड जीसस बिगेन टू प्रीच द गुड न्यूज ऑफ द किंगडम टू हर। और जब यीशु मसीह उस कुएं के पास बैठा था, तब एक स्त्री वहां पर पानी भरने के लिए आई, जो कुएं में से पानी निकाल कर उसे भरना था। और फिर यीशु मसीह ने उसको प्रचार करना शुरू किया, इस शुभ संदेश का जो राज्य के विषय में है, वह उसको प्रचार करने लगा। मच लेटर व्हेन हिज डिसाइपल्स रिटर्न्ड विद द फूड एंड जीसस वुड नॉट ईट, बहुत देरी के बाद में चेले लौट कर आए, खाना अपने साथ लाए हुए थे, परंतु यीशु मसीह ने वो खाना खाया नहीं। व्हेन दे वंडर्ड व्हाई ही डिडंट वांट टू ईट, और फिर वहां पर वो अचंभित हो गए, ये ऐसा क्यों यीशु मसीह खाना खाना नहीं चाहता है। ही रिप्लाइड, आई हैव फूड टू ईट दैट यू नो नथिंग अबाउट। द फूड दैट कीप्स मी गोइंग इज दैट आई डू द विल ऑफ द वन हु सेंट मी एंड फिनिश हिज वर्क। तो उसने उनको जो जवाब में कहा वह इस प्रकार से, यूहन्ना के 4 अध्याय 32 वचन से 34 वचन में हम पढ़ के समझ सकते हैं कि उसने उसके चेलों को इस बात पर क्या जवाब दिया। यूहन्ना 4 अध्याय के 32 से लेकर 34 वचन हम पढ़ेंगे। परंतु उसने उनसे कहा, मेरे पास खाने के लिए ऐसा भोजन है जिसे तुम नहीं जानते। तब चेलों ने आपस में कहा, क्या कोई उसके लिए कुछ खाने को लाया है? यीशु ने उनसे कहा, मेरा भोजन यह है कि अपने भेजने वाले की इच्छा के अनुसार चलूं और उसका काम पूरा करूं। दिस इज द एग्जाम्पल ही लेफ्ट अस टू फॉलो। यह उदाहरण रह गया हमारे लिए, हमको उसके पीछे चलने के लिए। डूइंग गॉड्स वर्क वॉज नंबर वन टू जीसस। परमेश्वर के काम को करना यीशु मसीह के लिए सबसे पहले नंबर पर रखा हुआ उसका मकसद था। Doing nothing should be more important to you than ensuring the spread of the gospel in your world and around the world. ऐसा कोई भी दूसरे काम आपके लिए ज़रूरी नहीं होना चाहिए इस बात की आपने चिंता रखना है और खातरी रखना है कि केवल सुसमाचार जगत में लेकर जाना और इर्द गिर्द में जगत में उसे फैलाना, इसके अलावा और कोई काम आपके लिए महत्व का नहीं रहना चाहिए। यू मस्ट रियलाइज दैट योर अर्थली जॉब, बिजनेस, एजुकेशन और अदर करियर आर योर अपॉर्चुनिटीज एंड व्हीकल्स फॉर ट्रांसपोर्टिंग द गॉस्पल। आपको इस बात को महसूस करने की ज़रूरत है कि आप जो पृथ्वी के ऊपर काम काज करते हो, व्यापार करते हो, सीखते हो, कहीं पढ़ाई लिखाई करते हो, या फिर कुछ काम काज की बातों में आप पढ़ लिख रहे हो, तो वो एक आपके लिए अवसर बनता है और आप उस जगह में सुसमाचार को लेकर जाने वाला ऐसा वाहन बनते हैं।
When you commit your life to soul winning, you discover the satisfaction and fulfillment nothing else in life can give you. जब आप अपने आप को समर्पित कर देते हैं, इस प्रकार से अपने जीवन को ऐसे दे देते हैं कि आप आत्माओं को बचाने के लिए, जीतने के लिए मसीह में आप जिएंगे। और जब आप इस रहस्य का, भेद का आपको पहचान हो जाता है, तब आपको मालूम पड़ता है कि एक बड़ी तरह से शांति और आपके अंदर ये एक प्रकार का बहुत ही तीव्रता का ऐसा भावना जो आपको तृप्त होने का पता चलता है। और फिर जो कुछ आपको इस प्रकार के तृप्त होने की आपको भावनाओं से भर सकेगा, ऐसा और कोई भी काम इस जीवन में आपके पास नहीं है। केवल और केवल यह इस प्रकार का तृप्त होने का अनुभव आप आत्माओं के जीतने से ही प्राप्त करते हैं। इसके अलावा आपको यह कोई भी नहीं दे सकता है। यू डिक्लेयर लाइक जीसस, माय मीट इज टू डू द विल ऑफ हिम दैट सेंट मी एंड टू फिनिश हिज वर्क, प्रेज गॉड। आप फिर यीशु मसीह की तरह बोलना शुरू कर देते हैं कि मेरा भोजन उसकी इच्छा करने में है जिसने मुझे भेजा है, उसके काम को पूरा करना। स्तुति हो परमेश्वर की। कन्फेशन, जब हम कन्फेस करेंगे तो हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इसे कन्फेस करना है। और जब हम कन्फेस कर रहे हैं तो इसका मतलब है कबूली कर रहे हैं, हमने समझते हुए इसे कबूल करना है, विश्वास को इसके साथ जोड़ना है। और जिस प्रकार से ये कबूली में हम बोल रहे हैं वही हम हैं, और उसी के अंदर से हम बोल रहे हैं। दृढ़ता के साथ इसे आपने ग्रहण करना है और कबूल करना है। जब आप इंग्लिश में इसको बोलना चाहेंगे, आप मेरे साथ इंग्लिश में बोलें, और जब आप हिंदी में इसे बोलना चाहें, आप मेरे साथ हिंदी में बोल सकते हैं। Living for Jesus Christ and being relevant in the ministry of reconciliation is my priority. Everything in my life, my thoughts, ideas, the excellence in my life is all about soul winning. I'm an ambassador and a steward of the mysteries of Christ, and I'm fulfilling my ministry gloriously. In Jesus' name, Amen. अब हम इसे हिंदी में बोलेंगे। यीशु मसीह के लिए जीना और उसके साथ मेल मिलाप की सेवकाई में समानता में होना मेरा सबसे प्रथम प्राथमिकता और सबसे पहला महत्वपूर्ण काम है। बाकी सब कुछ जो मेरे जीवन का है, मेरी सोचे, मेरी युक्तियाँ, उत्कृष्टता जो मेरे जीवन में है, वह सब कुछ मिलकर केवल प्रभु यीशु मसीह ने दिए हुए सेवकाई जो मेल मिलाप की है, उसमें आत्माओं को जीतने के लिए है।
मैं राजदूत हूँ और मैं प्रबंधक हूँ रहस्यों का जो मसीह में है, और मैं इस महिमामय सेवकाई को पूरा करता हुआ चल रहा हूँ, यीशु मसीह के नाम में, आमेन। हम जो आज मनन करने के लिए वचन लिए हैं, आज हमारे लिए दिया गया वचन है गैलेशियंस 2:20, 2 Corinthians 5:18-19, 1 Corinthians 9:16। गलतियों की पत्री 2:20, 2 Corinthians 5:18-19, 1 Corinthians 9:16। पहले हम किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे इंग्लिश में, और हिंदी में हम BSI बाइबल में से पढ़ेंगे गैलेशियंस 2:20। गैलेशियंस 2:20, आई एम क्रूसीफाइड विथ क्राइस्ट, नेवर द लेस आई लिव, येट नॉट आई बट क्राइस्ट लिवेथ इन मी, एंड द लाइफ विच आई नाउ लिव इन द फ्लैश आई लिव बाई द फेथ ऑफ द सन ऑफ गॉड हु लव्ड मी एंड गेव हिमसेल्फ फॉर मी। गलतियों की पत्री 2:20, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, और मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। 2 Corinthians 5:18-19, एंड ऑल थिंग्स आर ऑफ गॉड हु हैथ रिकनसाइल्ड अस टू हिमसेल्फ बाय जीसस क्राइस्ट एंड हैथ गिवन टू अस द मिनिस्ट्री ऑफ रिकनसिलिएशन, टू विट दैट गॉड वॉज इन क्राइस्ट रिकनसाइलिंग द वर्ल्ड अनटू हिमसेल्फ, नॉट इम्प्यूटिंग देअर ट्रेस्पासेस अनटू देम, एंड हैथ कमिटेड अनटू अस द वर्ड ऑफ रिकनसिलिएशन। 2 Corinthians 5:18-19 ये कहता है, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से है, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी है, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया और उनके अपराधों का दोष उन पर नहीं लगाया, और उसने मेल मिलाप का वचन हमें सौंप दिया है। 1 Corinthians 9:16, फॉर दो आई प्रीच द गॉस्पल आई हैव नथिंग टू ग्लोरी ऑफ, फॉर नेसेसिटी इज लेड अपॉन मी, ये वो इज अन टू मी इफ आई प्रीच नॉट द गॉस्पल। 1 Corinthians 9:16, यदि मैं सुसमाचार सुनाऊं तो मेरे लिए कुछ घमंड की बात नहीं, क्योंकि यह तो मेरे लिए अवश्य है, यदि मैं सुसमाचार न सुनाऊं तो मुझ पर हाय। आज जो अध्याय हमको पढ़ने के लिए दिया गया है Hebrews 10:1-18, Ezekiel 1:2, और हम इब्रानी के 10:1-18, और यह HKL की भविष्यवाणी 1:2, हम इसे इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में BSI बाइबल में से पढ़ेंगे। पहले हम Hebrews 10:1-18 पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन,
द लॉ सैक्रिफाइसेस इन अफेक्चुअल टू टेक अवे सिंस बाय द ऑफरिंग ऑफ क्राइस्ट्स बॉडी वंस फॉर ऑल वी ऑब्टेन परफेक्ट रेमिशन. एग्जॉल्टेशन टू फेथफुलनेस. फर्स्ट वर्ड से पढ़ेंगे. फॉर द लॉ हैविंग अ शैडो ऑफ गुड थिंग्स टू कम एंड नॉट द वेरी इमेज ऑफ द थिंग्स कैन नेवर विद दिस सैक्रिफाइसेस विच दे ऑफर्ड ईयर बाय ईयर कंटिन्यूअली मेक द कमर्स देयर अनटू परफेक्ट. For then would they not have ceased to be offered, because that the worshippers once purged should have had no more conscience of sins. But in those sacrifices there is a remembrance again made of sins every year, for it is not possible that the blood of bulls and of goats should take away sins. Wherefore, when he cometh into the world, he saith, Sacrifice and offering thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. In burnt offerings and sacrifices for sin thou hast had no pleasure. Then said I, Lo, I come, in the volume of the book it is written of me, to do thy will, O God. Above, when he said, Sacrifice and offering and burnt offerings and offering for sin thou wouldest not, neither hadst pleasure therein, which are offered by the law. Then said he, Lo, I come to do thy will, O God. He taketh away the first, that he may establish the second, by the which will we are sanctified through the offering of the body of Jesus Christ once for all. And every priest standeth daily ministering and offering oftentimes the same sacrifices, which can never take away sins. But this man, after he had offered one sacrifice for sins forever, sat down on the right hand of God, from henceforth expecting till his enemies be made his footstool. For by one offering he hath perfected for ever them that are sanctified. Whereof the Holy Ghost also is a witness to us, for after that he had said before, This is the covenant that I will make with them after those days, saith the Lord, I will put my laws into their hearts, and in their minds will I write them. And their sins and iniquities will I remember no more. Now, where remission of this is, there is no more offering for sin. इब्रानियों की पत्री 10 अध्याय पहले वचन से सिद्ध बलिदान. क्योंकि व्यवस्था जिसमें आने वाली अच्छी वस्तुओं का प्रतिबिंब है, पर उनका असली स्वरूप नहीं, इसलिए उन एक ही प्रकार के बलिदानों के द्वारा जो प्रतिवर्ष अचूक चढ़ाए जाते हैं, पास आने वालों को कदापि सिद्ध नहीं कर सकती. नहीं तो उनका चढ़ाना बंद क्यों ना हो जाता. इसलिए जब सेवा करने वाले एक ही बार शुद्ध हो जाते, तो फिर उनका विवेक उन्हें पापी न ठहराता, परंतु उनके द्वारा प्रतिवर्ष पापों का स्मरण हुआ करता है. क्योंकि यह अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे. इसी कारण वह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंट तूने न चाही, पर मेरे लिए एक देह तैयार की. होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ. तब मैंने कहा, देख, मैं आ गया हूँ. पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करो. ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा,
और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह के देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। आमेन। थैंक यू जीसस। हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पापों को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु यह व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दहिने जा बैठा। आमेन। थैंक यू जीसस। और उसी समय से उसकी बाट जोह रहा है कि उसके बैरी उसके पावों के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें, जो पवित्र किए जाते हैं, सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। आमेन। थैंक यू जीसस। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो प्रभु। और पवित्र आत्मा भी हमें यही गवाही देता है, क्योंकि उसने पहले कहा था, प्रभु कहता है कि जो वाचा मैं उन दिनों के बाद उनसे बांधूंगा वह यह है कि मैं अपने नियमों को उनके हृदय पर लिखूंगा। आमेन। थैंक यू फादर। थैंक यू जीसस। और मैं उनके विवेक में डालूंगा। हालेलुया। फिर वह यह कहता है, मैं उनके पापों को और उनके अधर्म के कामों को फिर कभी स्मरण न करूंगा। और जब इनकी क्षमा हो गई है तो फिर पाप का बलिदान नहीं रहा। थैंक यू अब्बा। थैंक यू। एज़ेकियल फर्स्ट चैप्टर। एज़ेकियल्स विजन ऑफ फोर केरूबिम्स एंड फोर व्हील्स। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। नाउ इट केम टू पास इन द 30th ईयर इन द 4th मंथ इन द 5th डे ऑफ द मंथ एस आई वॉज अमॉन्ग द कैप्टिव्स बाय द रिवर ऑफ चेबार एंड द हेवेंस वेयर ओपन्ड एंड आई सॉ विजन्स ऑफ गॉड In the 5th day of the month, which was the 5th year of Jehoiakim's captivity, the word of the Lord came expressly unto Ezekiel the priest, the son of Buzi, in the land of the Chaldeans, by the river Chebar, and the hand of the Lord was there upon him. And I looked, and behold, a whirlwind came out of the north, a great cloud and a fire enfolding itself, and a brightness was about it, and out of the midst thereof as the color of amber, out of the midst of the fire. Also out of the midst thereof came the likeness of four living creatures, and this was their appearance. They had the likeness of a man, and every one had four faces, and every one had four wings, and their feet were straight feet, and the sole of their feet was like the sole of a calf's foot, and they sparkled like the color of burnished brass, and they had the hands of a man under their wings on their four sides, and they four had their faces and their wings.
Their wings were joined one to another. They turned not when they went. They went everyone straight forward. As for the likeness of their faces, they four had the face of a man and the face of a lion on the right side, and they four had the face of an ox on the left side. They four also had the face of an eagle. Thus were their faces, and their wings were stretched upward. Two wings of every one were joined one to another, and two covered their bodies, and they went every one straight forward. Whither the spirit was to go, they went, and they turned not when they went. As for the likeness of the living creatures, their appearance was like burning coals of fire, and like the appearance of lamps. It went up and down among the living creatures, and the fire was bright, and out of the fire went forth lightning. And the living creatures ran and returned as the appearance of a flash of lightning. Now, as I beheld the living creatures, behold, one wheel upon the earth by the living creatures with his four faces. The appearance of the wheels and their work was like unto the color of a beryl, and they four had one likeness, and their appearance and their work was as it were a wheel in the middle of a wheel. When they went upon their four sides, and they turned not when they went. As for their rings, they were so high that they were dreadful, and their rings were full of eyes round about them four. And when the living creatures went, the wheels went by them. And when the living creatures were lifted up from the earth, the wheels were lifted up. Whithersoever the spirit was to go, they went. Thither was their spirit to go, and the wheels were lifted up over against them, for the spirit of the living creature was in the wheels. When those went, this went, and when those stood, this stood, and when those were lifted up from the earth, the wheels were lifted up over against them. For the spirit of the living creature was in the wheels, and the likeness of the firmament upon the heads of the living creature was as the color of the terrible crystal stretched forth over their heads above, and under the firmament were their wings straight, the one toward the other. Every one had two, which covered on this side, and every one had two, which covered on that side, their bodies. And when they went, I heard the noise of their wings, like the noise of great waters, as the voice of the Almighty, the voice of speech, as the noise of an host. When they stood, they let down their wings, and there was a voice from the firmament that was over their heads, when they stood and had let down their wings. And above the firmament that was over their heads was the likeness of a throne, as the appearance of a sapphire stone, and upon the likeness of the throne was the likeness as the appearance of a man above upon it. And I saw as the color of amber, as the appearance of fire round about within it, from the appearance of his loins even upward, and from the appearance of his loins even downward. I saw as it were the appearance of fire, and it had brightness round about, as the appearance of the bow that is in the cloud in the day of rain. So was the appearance of the brightness round about. This was the appearance of the likeness of the glory of the Lord. And when I saw it, I fell upon my face.
एंड आई हर्ड अ वॉइस ऑफ वन दैट स्पेक. चैप्टर टू फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. इंट्रोडक्शन है. एज़ेकियल्स कमीशन, हिज इंस्ट्रक्शन, द रोल ऑफ हैवी जजमेंट्स स्प्रेड बिफोर हिम. फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे. एंड ही सेड अनटू मी, सन ऑफ मैन, स्टैंड अपॉन thy फीट एंड आई विल स्पीक unto thee. And the Spirit entered into me. When he spake unto me and set me upon my feet, that I heard him that spake unto me. And he said unto me, Son of man, I send thee to the children of Israel, to a rebellious nation that hath rebelled against me. They and their fathers have transgressed against me, even unto this very day. For they are impudent children and stiff-hearted. I do send thee unto them, and thou shalt say unto them, Thus saith the Lord God. And they, whether they will hear or whether they will forbear, for they are a rebellious house, yet shall know that there hath been a prophet among them. And thou, son of man, be not afraid of them, neither be afraid of their words. Though briars and thorns be with thee, and thou dost dwell among scorpions, be not afraid of their words, nor be dismayed at their looks, though they be a rebellious house. And thou shalt speak my words unto them, whether they will hear or whether they will forbear, for they are most rebellious. But thou, son of man, hear what I say unto thee. Be not thou rebellious like that rebellious house. Open thy mouth and eat that I give thee. And when I looked, behold, an hand was sent unto me, and lo, a roll of a book was therein, and he spread it before me, and it was written within and without, and there was written therein lamentations and mourning and woe. यहेजकेल की भविष्यवाणी पहला अध्याय. परमेश्वर के विषय. यहेजकेल का प्रथम दर्शन. परमेश्वर का सिंहासन. पहले वचन से पढ़ेंगे. तीसवें वर्ष के चौथे महीने के पांचवें दिन में बंदियों के बीच कबार नदी के तट पर था. तब स्वर्ग खुल गया और मैंने परमेश्वर के दर्शन पाए. यहोयाकीन राजा के बंधुआई के पांचवें वर्ष के चौथे महीने के पांचवें दिन को कसदियों के देश में कबार नदी के तट पर यहोवा का वचन बूजी के पुत्र यहेजकेल याजक के पास पहुंचा और यहोवा की शक्ति उस पर वही प्रकट हुई. जब मैं देखने लगा, जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ कि उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है. फिर से पढ़ेंगे चौथा वचन. जब मैं देखने लगा तो क्या देखता हूँ
की उत्तर दिशा से बड़ी घटा और लहराती हुई आग सहित बड़ी आंधी आ रही है और घटा के चारों ओर प्रकाश और आग के बीचों बीच से झलकाया हुआ पीतल सा कुछ दिखाई देता है। और पांचवचन से आगे, उसके बीच से चार जीवधारियों के समान कुछ निकले। उनका रूप मनुष्य के समान था, परंतु उनमें से हर एक के चार चार मुख और चार चार पंख थे। उनके पांव सीधे थे और उनके पांवों के तलुए बछड़ों के खुर्रों के से थे, और वे झलकाए हुए पीतल के समान चमकते थे। उनके चारों ओर पंखों के नीचे मनुष्य के से हाथ थे। उन चारों के मुख और पंख इस प्रकार के थे, उनके पंख एक दूसरे से परस्पर मिले हुए थे। वे अपने अपने सामने सीधे ही चलते हुए मुड़ते नहीं थे। दस वचन से आगे, उनके सामने के मुखों के का रूप मनुष्य का सा था, और उन चारों के दाहिनी ओर के मुख सिंह के से, बाईं ओर के मुख बैल के से थे, और चारों के पीछे के मुख उकाब पक्षी के से थे। उनके चेहरे ऐसे ही थे, उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे और अलग अलग थे। उनके मुख और पंख ऊपर की ओर अलग अलग थे। हर एक जीवधारी के दो दो पंख थे जो एक दूसरे के पंखों से मिले हुए थे, और दो दो पंखों से उनका शरीर ढपा हुआ था। बारह वचन से आगे, वे सीधे अपने अपने सामने ही चलते थे। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। थैंक यू जीसस। जिधर आत्मा जाना चाहता था वे उधर ही जाते थे, और चलते समय मुड़ते नहीं थे। जीवधारियों के रूप अंगारों और जलती हुई मशालों के समान दिखाई देते थे, और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही। और वह आग जीवधारियों के बीच इधर उधर चलती फिरती हुई बड़ा प्रकाश देती रही, और उस आग से बिजली निकलती थी। जीवधारियों का चलना फिरना बिजली का सा था। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। फिर से पढ़ेंगे 15 वचन। जब मैं जीवधारियों को देख ही रहा था तो क्या देखा कि भूमि पर उनके पास चारों मुखों की गिनती के अनुसार एक एक पहिया था। पहियों का रूप और बनावट फिरोजे के सी थी, और चारों का एक ही रूप था, और उनका रूप और बनावट ऐसी थी जैसे एक पहिए के बीच दूसरा पहिया हो।
चलते समय वे अपने चारों ओर चल सकते थे और चलने में मुड़ते नहीं थे। उन चारों पहियों के घेरे बहुत बड़े और डरावने थे और उनके घेरों में चारों ओर आंखें ही आंखें भरी हुई थी। जब जीवधारी चलते थे तब पहिए भी उनके साथ चलते थे, और जब जीवधारी भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उठते थे। बीसवचन, जिधर आत्मा जाना चाहती थी उधर ही वे जाते और पहिए जीवधारियों के साथ उठते थे, क्योंकि उनकी आत्मा पहियों में थी। जब वे चलते थे तब ये भी चलते थे, और जब जब वे खड़े होते थे तब ये भी खड़े होते थे, और जब वे भूमि पर से उठते थे तब पहिए भी उनके उनके साथ उठते थे, क्योंकि जीवधारियों की आत्मा पहियों में थी। थैंक यू जीसस। 22वचन, जीवधारियों के सिरों के ऊपर आकाश मंडल सा कुछ था जो बर्फ के समान भयानक रीति से चमकता था, और वह उनके सिरों के ऊपर फैला हुआ था। आकाश मंडल के नीचे उनके पंख एक दूसरे की ओर सीधे फैले हुए थे, और हर एक जीवधारी के दो दो और पंख थे जिनसे उनके शरीर ढंपे हुए थे। उनके चलते समय उनके पंखों की फड़फड़ाहट की आहट मुझे बहुत से जल या सर्वशक्तिमान की वाणी या सेना के हलचल की सी सुनाई पड़ती थी, और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका देते थे। फिर उनके सिरों के ऊपर जो आकाशमंडल था उसके ऊपर से एक शब्द सुनाई पड़ता था। थैंक यू जीसस। और जब वे खड़े होते थे तब अपने पंख लटका लेते थे। जो आकाशमंडल उनके सिरों के ऊपर था उसके ऊपर मानो कुछ नीलम का बना हुआ सिंहासन था। इस सिंहासन के ऊपर मनुष्य के समान कोई दिखाई देता था। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद हो यीशु। उसकी कमर से लेकर ऊपर की ओर मुझे मानो झलकाया हुआ पीतल सा दिखाई पड़ा, और उसके भीतर और चारों ओर आग सी दिखाई पड़ती थी। फिर उस मनुष्य के कमर से लेकर नीचे की ओर भी मुझे कुछ आग सी दिखाई पड़ती थी। और उसके चारों ओर प्रकाश था, जैसे वर्षा के दिन बादल में धनुष दिखाई पड़ता है वैसे ही चारों ओर का प्रकाश दिखाई देता था। यहोवा के तेज का रूप ऐसा ही था। उसे देखकर मैं मोह के बल गिरा। तब मैंने एक शब्द सुना जैसे कोई बातें करता है। थैंक यू अब्बा। थैंक यू जीसस। परमेश्वर की बुलाहट, दूसरा अध्याय पहले वचन से।
उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, अपने पावों के बल खड़ा हो और मैं तुझसे बातें करूंगा। जैसे हो उसने मुझसे यह कहा, त्यों ही आत्मा ने मुझ में समाकर मुझे पावों के बल खड़ा कर दिया। और जो मुझसे बातें करता था मैंने उसकी सुनी। थैंक यू आपा शाबे रेखे तीना नमक हसा उर्रा बाबा खा लेखे तीना नमक हसी आंतु खंबरो। उसने मुझसे कहा, हे मनुष्य के संतान, मैं तुझे इसराइलियों के पास अर्थात बलवा करने वाले जाति के पास भेजता हूँ, जिन्होंने मेरे विरुद्ध बलवा किया है उनके पुरखा और वे भी आज के दिन तक मेरे विरुद्ध अपराध करते चले आए हैं। इस पीढ़ी के लोग जिनके पास मैं तुझे भेजता हूँ वे निर्लज्ज और हटीले हैं, और तो उनसे कहना, प्रभु यहोवा यों कहता है, इससे वे जो बलवा करने वाले घराने के हैं, चाहे वे सुने या न सुने तो भी वे इतना जान लेंगे कि हमारे बीच एक भविष्यद्वक्ता प्रकट हुआ है। हे मनुष्य के संतान, तू उनसे न डरना, चाहे तुझे कांटों, ऊंट, कटारों और बिच्छुओं के बीच भी रहना पड़े तो भी उनके वचनों से न डरना। यद्यपि वे विद्रोही घराने के हैं तो भी न तो उनके वचनों से डरना और न उनके मुंह देखकर तेरा मन कच्चा हो। इसलिए चाहे वे सुने वा ना सुने तो भी तू मेरे वचन उनसे कहना, वे तो बड़े विद्रोही हैं। परंतु हे मनुष्य के संतान, जो मैं तुझसे कहता हूँ उसे तू सुन ले। उस विद्रोही घराने के समान तू भी विद्रोही न बनना। जो मैं तुझे देता हूँ उसे मुंह खोलकर खा ले। तब मैंने दृष्टि की और क्या देखा कि मेरी ओर एक हाथ बढ़ा हुआ है और उसमें एक पुस्तक है। उसको उसने मेरे सामने खोलकर फैलाया और वह दोनों ओर लिखी हुई थी, और जो उसमें लिखा था वे विलाप और शोक और दुख भरे वचन थे। सेकेंड पीटर, दो साल के बाइबल रीडिंग प्लान में सेकेंड पीटर सेकेंड चैप्टर 1 से लेकर 22 वर्स तक है, और एज़ेकियल 42 चैप्टर, जो दो साल का बाइबल रीडिंग प्लान है उसके अंदर दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 1 से 22 वचन, और यह एज़ेकियल की भविष्यवाणी 42 अध्याय हम दोनों पढ़ेंगे। इंग्लिश में किंग जेम्स वर्शन में से पढ़ेंगे और हिंदी में DSI बाइबल में से पढ़ेंगे। जो पहले हमने पढ़कर ख़त्म किया वो था पहले साल का एक साल का बाइबल रीडिंग प्लान, अब हम पढ़ रहे जो दूसरे साल का बाइबल रीडिंग प्लान, दूसरा पत्रस दूसरा अध्याय 1 से 22, और यह HKL की भविष्यवाणी 42 अध्याय, सेकेंड पीटर सेकेंड चैप्टर 1 to 22 वर्स एंड एज़ेकियल 42 चैप्टर। हम पहले इंग्लिश में पढ़ेंगे किंग जेम्स वर्शन में से सेकेंड पीटर सेकेंड चैप्टर 1 to 22 वर्स। ही फोरटेलथ द अपीयरेंस ऑफ फॉलन टीचर्स ऑफ द इम्पायटी ऑफ देयर फॉलोवर्स एंड द जजमेंट्स दैट वुड ओवरटेक देम। द गॉडली शाल बी डिलीवर्ड एज लोथ वॉज आउट ऑफ सदम। द मैनर्स ऑफ प्रोफेन एंड ब्लास्फेमस सीड्यूसर्स डिस्क्राइब्ड। फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे, बट देयर वेयर फॉल्स प्रॉफिट्स ऑल्सो अमॉन्ग द पीपल इवन एज देयर शाल बी फॉल्स टीचर्स अमॉन्ग यू हु प्राइवली शाल ब्रिंग इन डैमनेबल हियरसेस इवन डिनाइंग द लॉर्ड दैट बॉट देम एंड ब्रिंग अपॉन देम सेल्व्स स्विफ्ट डिस्ट्रक्शंस एंड मैनी शाल फॉलो देयर परनीशियस वेज by reason of whom the way of truth shall be evil spoken of, and through covetousness shall they with feigned words make merchandise of you, whose judgment now of long time lingereth not,
and their damnation slumbereth not. For if God spared not the angels that sinned, but cast them down to hell, and delivered them to chains of darkness, to be reserved unto judgment, and spared not the old world, but saved Noah and the eighth person, a preacher of righteousness, bringing in the flood upon the world of the ungodly, and turning the cities of Sodom and Gomorrah into ashes, condemned them with an overthrow, making them an ensample unto those that after should live ungodly, and delivered just Lot, vexed with the filthy conversation of the wicked. For that righteous man dwelling among them, in seeing and hearing, vexed his righteous soul from day to day with their unlawful deeds. The Lord knoweth how to deliver the godly out of temptations, and to reserve the unjust unto the day of judgment to be punished. But chiefly them that walk after the flesh in the lust of uncleanness, and despise government, presumptuous are they, self-willed, they are not afraid to speak evil of dignities, whereas angels, which are greater in power and might, bring not railing accusation against them before the Lord, but this as natural brute beasts, made to be taken and destroyed, speak evil of the things that they understand not, and shall utterly perish in their own corruption, and shall receive the reward of unrighteousness, as they that count it pleasure to not to riot in the daytime. Spots they are, and blemishes, sporting themselves with their own deceivings, while they feast with you, having eyes full of adultery, and that cannot cease from sin, beguiling unstable souls, and hurt they have exercised with covetous practices, cursed children, which have forsaken the right way, and are gone astray, following the way of Balaam, the son of Beor, who loved the wages of righteousness, but was rebuked for his iniquity. The dumb, as speaking with man's voice, forbid the madness of the prophet. These are wells without water, clouds that are carried with a tempest, to whom the mist of darkness is reserved forever. For when they speak great swelling words of vanity, they allure through the lusts of the flesh, through much wantonness, those that were clean escaped from them who live in error. While they promise them liberty, they themselves are the servants of corruption. For of whom a man is overcome, of the same is he brought in bondage. For if after they have escaped the pollutions of the world through the knowledge of the Lord and Savior Jesus Christ, they are again entangled therein and overcome, the latter end is worse with them than the beginning. For it had been better for them not to have known the way of righteousness than after they have known it to turn from the holy commandment delivered unto them. But it is happened unto them according to the true proverb, the dog is turned to his own vomit again, and thus so that was washed to her wallowing in the mire. दूसरा पत्रस, दूसरा अध्याय, झूठे शिक्षक, पहले वचन से। जिस प्रकार उन लोगों में झूठे भविष्यद्वक्ता थे, उसी प्रकार तुम में भी झूठे उपदेशक होंगे, जो नाश करने वाले पाखंड का उद्घाटन छिप छिप कर करेंगे,
और उस स्वामी का जिसने उन्हें मोल लिया है इनकार करेंगे और अपने आप को शीघ्र विनाश में डाल देंगे। बहुत से उनके समान लुचपन करेंगे जिनके कारण सत्य के मार्ग की निंदा की जाएगी। वे लोभ के लिए बातें गढ़ कर तुम्हें अपने लोभ अपने लाभ का कारण बनाएंगे और जो दंड की आज्ञा उन पर पहले से हो चुकी है उसके आने में कुछ भी देर नहीं और उनका विनाश उंगता नहीं। क्योंकि जब परमेश्वर ने उन स्वर्ग दूतों को जिन्होंने पाप किया नहीं छोड़ा पर नरक में भेजकर अंधेरे कुंडों में डाल दिया ताकि न्याय के दिन तक बंदी रहे और प्राचीन युग के संसार को भी न छोड़ा वरन भक्तिहीन संसार पर महाजल प्रलय भेजा, पर धर्म के प्रचारक नूह समेत 8 व्यक्तियों को बचा लिया और सदोम और अमोरा के नगरों को विनाश का ऐसा दंड दिया कि उन्हें भस्म करके राख में मिला दिया ताकि वे आने वाले भक्तिहीन लोगों को शिक्षा के लिए एक दृष्टांत बने और धर्मी लोत को जो अधर्मियों के अशुद्ध चाल चलन से बहुत दुखी था छुटकारा दिया। क्योंकि वह धर्मी उनके बीच में रहते हुए और उनके अधर्म के कामों को देख देख कर और सुन सुन कर हर दिन अपने सच्चे मन को पीड़ित करता था, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, विशेष करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, ढीठ और हटी है और ऊंचे पद वालों का को बुरा भला कहने से नहीं डरते, तो भी स्वर्ग दूत जो शक्ति और सामर्थ में उनसे बड़े हैं प्रभु के सामने उन्हें बुरा भला कहकर दोष नहीं लगाते, पर ये लोग निर्बुद्धि पशुओं ही के तुल्य हैं, जो पकड़े जाने और नाश होने के लिए उत्पन्न हुए हैं और जिन बातों को जानते ही नहीं उनके विषय में दूसरों को बुरा भला कहते हैं, वे अपनी सड़ाहट में आप ही सड़ जाएंगे। दूसरों का बुरा करने के बदले उन्हीं का बुरा होगा। उन्हें दिन दोपहर भोग विलास करना भला लगता है, ये कलंक और दोष है। जब वे तुम्हारे साथ खाते पीते हैं तो अपनी ओर से प्रेम भोज करके भोग विलास करते हैं। उनकी आंखों में व्यभिचार बसा हुआ है और वे पाप किए बिना रुक नहीं सकते। वे चंचल मन वालों को फुसला लेते हैं, उसके मन को लोभ करने का अभ्यास हो गया है, वे संताप की संतान है। वे सीधे मार्ग को छोड़कर भटक गए हैं और बओर के पुत्र बिलाम के मार्ग पर हो लिए हैं, जिसने अधर्म की मजदूरी को प्रिय जाना पर उसके अपराध के विषय में उलाहना दिया गया, यहाँ तक कि अबोल गदही ने मनुष्य की बोली से उस भविष्यद्वक्ता को उसके बावलेपन से रोका। ये लोग सूखे कुएं और आंधी के उड़ाए हुए बादल है, उनके लिए अनंत अंधकार ठहराया गया है। वे व्यर्थ घमंड की बातें कर करके लुच्चपन के कामों के द्वारा उन लोगों को शारीरिक अभिलाषाओं में फंसा लेते हैं जो भटके हुओं में से अभी निकल ही रहे हैं। वे उन्हें स्वतंत्र करने की प्रतिज्ञा तो करते हैं पर आप ही सड़ाहट के दास हैं। क्योंकि जो व्यक्ति जिससे हार गया है वह उसका दास बन जाता है। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंस कर हार गए तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई है। हालेलुया।
थैंक यू अबा फादर गॉड, ये वचनों से तू हमें सुधार रहा है। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। क्योंकि 21 वचन, धर्म के मार्ग का न जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नहलाई हुई सुअरनी कीचड़ में लौटने के लिए फिर चली जाती है। यह एजेकियल 42 चैप्टर, द प्रीस्ट चेम्बर्स मेशर्स ऑफ द आउटवर्ड कोर्ट, फर्स्ट वर्स से पढ़ेंगे। देन ही ब्रॉट मी फोर्थ इनटू द अटर कोर्ट, द वे टुवर्ड द नॉर्थ, एंड ही ब्रॉट मी इनटू द चेम्बर दैट वॉज ओवर अगेंस्ट द सेपरेट प्लेस एंड विच वॉज बिफोर द बिल्डिंग टुवर्ड द नॉर्थ। बिफोर द लेंथ ऑफ 100 क्यूबिट्स वॉज द नॉर्थ डोर एंड द ब्रेथ वॉज 50 क्यूबिट्स ओवर अगेंस्ट द 20 क्यूबिट्स विच वेयर फॉर द इनर कोर्ट एंड ओवर अगेंस्ट द पेवमेंट विच वॉज फॉर द अटर कोर्ट एंड वॉज अटर कोर्ट वॉज गैलरी अगेंस्ट गैलरी इन 3 स्टोरीज एंड बिफोर द चेम्बर्स वॉज अ वॉक ऑफ 10 क्यूबिट्स ब्रेथ इनवर्ड अ वे ऑफ 1 क्यूबिट एंड देयर डोर्स टुवर्ड द नॉर्थ। नाउ द अपर चेम्बर्स वेयर शॉर्टर फॉर द गैलरीज वेयर हायर दैन दिस दैन द लोअर एंड देन द मिडल मोस्ट ऑफ द बिल्डिंग फॉर दे वेयर इन 3 स्टोरीज बट हैड नॉट पिलर्स एज द पिलर्स ऑफ द कोर्ट्स। देयरफॉर The building was straightened more than the lowest and the middle most from the ground, and the wall that was without over against the chambers toward the utter court on the fore part of the chambers, the length thereof was 50 cubits. For the length of the chambers that were in the utter court was 50 cubits, and lo, before the temple were 100 cubits. And from under these chambers was the entry on the east side, as one goeth into them from the utter court. The chambers were in the thickness of the wall of the court toward the east, over against the separate place and over against the building. And the way before them was like the appearance of the chambers which were toward the north, as long as they and as broad as they, and all their goings out were both according to their fashions and according to their doors and according to the doors of the chambers that were toward the south was a door in the head of the way, even the way directly before the wall toward the east, as one entereth into them. Then said he unto me, the north chambers and the south chambers which are before the separate place, they be holy chambers where the priests that approach unto the Lord shall eat the most holy things. There shall they lay the most holy things and the meat offering and the sin offering and the trespass offering, for the place is holy. When the priests enter therein, then shall they not go out of the holy place into the utter court, but there they shall lay their garments wherein they minister, for they are holy, and shall put on other garments and shall approach to those things which are for the people. Now, when he had made an end of measuring the inner house, he brought me forth toward the gate whose prospect is toward the east, and measured it round about. He measured the east side with the measuring reed 500 reeds, with the measuring reed round about. He measured the north side 500 reeds, with the measuring reed round about. He measured the south side 500 reeds with the measuring reed.
He turned about to the west side and measured 500 reeds with the measuring reed. He measured it by the four sides. It had a wall round about 500 reeds long and 500 broad to make a separation between the sanctuary and the profane place. यहेजकेल की भविष्यवाणी 42 अध्याय पहले वचन से पढ़ेंगे। मंदिर के निकट स्थित दो कोठरियाँ। फिर वह मुझे बाहरी आंगन में उत्तर की ओर ले गया और मुझे उन दो कोठरियों के पास लाया जो भवन के आंगन के सामने और उसके उत्तर की ओर थी। 100 हाथ की दूरी पर उत्तरी द्वार था और चौड़ाई 50 हाथ की थी। भीतरी आंगन के 20 हाथ सामने और बाहरी आंगन के फर्श के सामने तीनों मंजिलों में छज्जे थे। कोठरियों के सामने भीतर की ओर जाने वाला 10 हाथ चौड़ा एक मार्ग था और हाथ भर का एक और मार्ग था और कोठरियों के द्वार उत्तर की ओर थे। ऊपरी कोठरियाँ छोटी थी अर्थात छज्जों के कारण वे निचली और बीच की कोठरियों से छोटी थी क्योंकि वे 3 मंजिला थी और अंगनों के समान उनके खंभे न थे। इस कारण ऊपरी कोठरियाँ निचली और बीच की कोठरियों से छोटी थी। जो दीवार कोठरियों के बाहर उनके पास पास थी अर्थात कोठरियों के सामने बाहरी आंगन की ओर थी उसकी लंबाई 50 हाथ की थी क्योंकि बाहरी आंगन की कोठरियाँ 50 हाथ लंबी थी और मंदिर के सामने की अलंग 100 हाथ की थी। इन कोठरियों के नीचे पूर्व की ओर मार्ग था जहाँ लोग बाहरी आंगन से इन में जाते थे। आंगन की दीवार की चौड़ाई में पूर्व की ओर अलग स्थान और भवन दोनों के सामने कोठरियाँ थी। उनके सामने का मार्ग उत्तरी कोठरियों के मार्ग सा था। उनकी लंबाई चौड़ाई बराबर थी और निकास और ढंग उनके द्वार कैसे थे। दक्षिणी कोठरियों के द्वारों के अनुसार मार्ग के सिरे पर द्वार था अर्थात पूर्व की ओर की दीवार के सामने जहाँ से लोग उनमें प्रवेश करते थे। फिर उसने मुझसे कहा, ये उत्तरी और दक्षिणी कोठरियों जो आंगन के सामने है वे ही पवित्र कोठरियाँ हैं जिनमें यहोवा के समीप जाने वाले याजक परम पवित्र वस्तुएं खाया करेंगे। वे परम पवित्र वस्तुएं और अन्न बलि और पाप बलि और दोष बलि वही रखेंगे क्योंकि वह स्थान पवित्र है। जब जब याजक लोग भीतर जाएंगे तब तब निकलने के समय वे पवित्र स्थान से बाहरी आंगन में यों ही न निकलेंगे अर्थात वे पहले अपनी सेवा टहल के वस्त्र पवित्र स्थान में रख देंगे क्योंकि ये कोठरियाँ पवित्र है। तब वे दूसरे वस्त्र पहनकर साधारण लोगों के स्थान में जाएंगे। मंदिर क्षेत्र की माप। जब वह भीतरी भवन को माप चुका तब मुझे पूर्व दिशा के फाटक के मार्ग से बाहर ले जाकर बाहर का स्थान चारों ओर मापने लगा। उसने पूर्वी ओर को मापने के बांस से माप कर 500 बांस का पाया। तब उसने उत्तरी ओर को मापने के बांस से माप कर 500 बांस का पाया। तब उसने दक्षिणी ओर को मापने के बांस से माप कर 500 बांस का पाया और पश्चिमी ओर को मोड़कर उसने मापने के बांस से माप कर उसे 500 बांस का पाया। उसने उस स्थान के चारों सीमाएं मापी और उसके चारों ओर एक दीवार थी। वह 500 बांस लंबी और 500 बांस चौड़ी थी और इसलिए बनी थी कि पवित्र और सर्वसाधारण को अलग अलग करे। प्रभु यीशु हम सब के साथ बना रहे। आमेन आमेन आमेन।